हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 12 सितंबर और बात करेंगे इवनिंग बूस्टर के बारे में। इवनिंग बूस्टर में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो है हमारे एचपी प्लस नेशनल, जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन प्रधानमंत्री आवास योजना। रूरल के लिए है ये, यहाँ पर रूरल के लिए पूछा गया 2018। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2018 में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं जिसमें से आपको चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, हिमाचल को पहला स्थान मिला है। यहाँ पर नीचे एक नोट दिया गया है, सेकंड रैंक मिला है हिमाचल प्रदेश को इनोवेटिव प्रैक्टिस इन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको एनएसएपी भी बोलते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश को मिला है सेकंड रैंक। और परफॉर्मेंस अंडर आधार सीडिंग एंड कन्वर्जन में मिला है हिमाचल प्रदेश को थर्ड रैंक। ठीक है, आधार से याद रखिएगा, इसमें हिमाचल प्रदेश को थर्ड रैंक मिला है और एनएसएपी में सेकंड रैंक। और बाकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूलर के लिए है उसमें हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपी के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जिसको एसटीपीआई भी बोलते हैं विल ओपन इट्स इंक्यूबेशन सेंटर इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो एसटीपीआई है अपना इंक्यूबेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोलेगा, चार आपके पास साथ साथ आपको बताना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये खोलेगा हमारा कांगड़ा में, कांगड़ा के गग्गल में। अगर आपसे कांगड़ा गग्गल ऑप्शन में दिया है तो गग्गल आपको टिक करना है, नहीं तो कांगड़ा, जहां पर हिमाचल प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और आने वाले टाइम पर कहां पर बनेगा वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी अवार्ड्स डज हिमाचल प्रदेश गेट इन पीएमजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हिमाचल प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले। तो वो मिले हैं हमारे तीन पुरस्कार जो है हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्रोजेक्ट्स वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन सितंबर 10, 2018। तो चार में से ये जो आपके पास तीन प्रोजेक्ट दिए गए हैं, तो चारों में से आपको थ्री में से आपको चूज करना है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से जॉइंटली प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किए गए हैं बांग्लादेश और इंडिया के द्वारा। तो पहला आपके पास ऑप्शन है सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सारे जो है ये हमारे सभी जो तीनों प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के नाम आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ये इनॉग्रेट किए गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा। बाकी रिवर्स भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से देशों के बीच में, आपको मान लीजिए इनमें से एक दे दिया कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर और पूछ लिया कि ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो इंडिया और बांग्लादेश आपको जरूर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री ऑन सितंबर 10, 2018 अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ फिलिस्तीन मिशन इन इट्स कैपिटल। ठीक है, फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा किस देश ने करी अपनी राजधानी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में क्या करा, फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन सितंबर 10, 2018 सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द सीकन मार्क्स फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, सीकन मार्क्स क्या होता है, सीकन मार्क्स एक मरने के टाइम जब मरता है कोई पर्सन तो यूज किया जाता था, ठीक है, पेरू में। तो इसका सही आंसर है पेरू। तो ये जर्मनी ने पेरू को वापस किया है, गोल्ड का बना होता है, मिक्सचर होता है और इसकी आईज जो होती है वो सिल्वर से बनी होती है। ठीक है, तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पेरू याद रखना है। पेरू क्या है, पेरू कंट्री है, वेस्टर्न साउथ अफ्रीका की कंट्री है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो पेरू की कैपिटल है लीमा, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और जो करेंसी है वो है हमारी सोल। ठीक है, तो लीमा हमारे पास कैपिटल होगी, सोल हमारे पास जो है करेंसी होगी पेरू की। जर्मनी की भी बात कर लेते हैं, जर्मनी की अगर कैपिटल की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, और जो हमारी करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, तो दोनों की आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपके पास कंट्री आती है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में उसकी करेंसी और कैपिटल आप जरूर याद कर लीजिए, जरूरी नहीं है किसी एग्जाम में पूछी जाए, बट आपको खुद से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वो वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल ऑफ हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, तो हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब का खिलाड़ी किसने जीता है, मतलब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो वो जीता है समीर वर्मा ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 सितंबर को शुरू हुए पहले बिमिस्टिक फील्ड प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो उसका है माइलेक्स 18 और ये जो शुरू हुआ है वो पुणे में शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एचआईवी एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 में बनाया गया था, एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया गया था 2017 में। तो ये कब से लागू होगा, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये लागू होगा 2 अक्टूबर 2018 से। ठीक है, बट सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है 10 सितंबर, यहां पर रॉन्ग हो गया है थोड़ा। ठीक है, तो 10 सितंबर से है जो ये लागू होगा, 10 सितंबर से, याद रखिएगा 10 सितंबर से ये लागू होगा, 2018 से हो चुका है मतलब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट ऑन सितंबर 10, 2019 लॉन्च द ड्रॉप
स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, किस राज्य के सरकारी प्रमाण पत्र मुहैया कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की है, तो वो की है हमारी दिल्ली ने। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम हवाई अड्डा बना जो बोर्डिंग पास के लिए फेस रिकॉग्निशन यूज करता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैंने बताया था कहां पर है वो है हमारा बेंगलोर में, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, बट क्या उसका नाम है, ठीक है, तो उसका नाम है कैंपे गोवाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपको नाम जरूर याद रखना है, कहां पर पड़ता है, वो पड़ता है हमारा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइन पैक्ट विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC फॉर इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल प्लांट के लिए किस राज्य सरकार ने IOC के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं हमारी हरियाणा की सरकार ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री इज होस्ट टू द 2018 ग्लोबल सबमिट ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सबमिट ऑन क्लाइमेट चेंज पर कौन से देश में होगा, ठीक है, या कौन सा देश उसको होस्ट करेगा, तो वो करेगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़े क्वेश्चन थे बट इंपॉर्टेंट थे, तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।